हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के, मतलब दिन के 11:30, और हम 10 बजे उठे आज, चूँकि बहुत गहरी नींद में थे आज। तो अब 11:30 हो चुका है और आज मैं सोच रहा हूँ कि सेल्फ पोर्ट्रेट बनाऊँगा। तो अभी तो मैं बैठा हूँ मेन रूम में और यहाँ नानी बैठी है, नानी टीवी देख रही है, डॉली भी बैठी है, डॉली लेकिन पढ़ाई कर रही है और इसका फ़ोन गिर गया है। तो मिलते हैं आगे। अब मैं आ चुका हूँ बाहर और यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है, मतलब बहुत बारिश हो रही है। तो दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ बड़ी ख़तरनाक बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी भी हल्की हल्की बूंद बूंद पड़ रही है और पूरा हरा भरा हो गया है, सब कोई बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर वाले रूम की तरफ। तो हम जा रहे हैं पापा के पास आ गए हैं। पापा बर्तन दे दो, थैंक यू। तो हम बर्तन। तो गाइस, अभी यश बना रहा है अपना, कुछ ड्राइंग बना रहा है या पोर्ट्रेट बना रहा है और पापा की एटीएम में वीडियो अपलोड कर रहा है। सो गाइस, अब मैंने पापा की वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं अपनी आर्ट की जो वीडियोस, मतलब मेरी जो स्केचिंग की वीडियोस होती है, जिनका मतलब फास्ट मोशन हो गया, टाइम स्पीड हो गया, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ उनको, किस तरीके से मेरा सेटअप रहता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये रहता है सेटअप। ये मेरा रहता है यहाँ पर ट्राईपॉड, एक ट्राईपॉड पर मैंने एक स्टिक लगाई हुई है, और यहाँ पर रहता है मेरा फ़ोन जिससे यहाँ सारे वो बनते हैं, और नीचे मेरा डेस्क रहता है। मतलब आप अगर यहाँ से देखें तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ मेरा फ़ोन रहता है और यहाँ नीचे वो रहता है मेरा टेबल। तो ऐसे मैं बनाता हूँ अपनी आर्ट वीडियो। सो गाइस, यही है ज़िंदगी, मतलब अपना मेरे को इतना काम करने के लिए इतना तामझाम लगाना पड़ता है। अभी भी ये जो आप माइक देख रहे हैं, अभी बड़ी मेहनत से मिला है। तो इतना करके मेरे को अपना फिर ड्राइंग्स भी बनानी होती हैं, फिर उनको एडिट करना होता है, एडिट भी फ़ोन से करना होता है क्योंकि लैपटॉप है नहीं। तो मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही अभी मेरा सामान भी फैला हुआ है। तो आज मैं अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ, तो देखते हैं आज कितना बनता है, पूरा बनता है या नहीं बनता है। तो मिलते हैं आगे। तो गाइस, अब हो गई है मेरी फ़ोटो, एक मैंने क्लिक कर ली है और ये मेरा सारा सामान रेडी हो चुका है। पेंसिल भी शार्प हो चुकी है सारी की सारी, देख लो कितने के लिए। अबे ये टूट भी गई। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं नॉर्मल आर्ट कॉपी का एक पेज ले रखा है मैंने, मतलब एक पूरी कॉपी ले रखी है, उसके एक पेज नॉर्मल पेज, नॉर्मल साइज़ के पेज में मैं ये अपना पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। Do my two step.
गाइस मेरे से हो गई थी बीच में थोड़ी सी मिस्टेक, बट अब मैंने उस मिस्टेक को भी सुधार लिया और अब फिर से मैं अपने स्केच पे लगा हुआ हूँ और वो थोड़ा शेप में आ रहा है और थोड़ा और वर्क करते हैं, थोड़ा और वर्क करते हैं, थोड़ा और वर्क करते हैं, क्या पता वो जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही बन जाए। तो अभी मेरे को हो चुके हैं पूरे 2.5 घंटे इसको बनाने में और मेरे को अभी तक कोई ज़्यादा सक्सेस तो मिली नहीं है। तो देखते हैं कि मैं कब तक इसको पूरा कर पाऊँगा। वैसे तो अभी शाम हो चुकी है तो देखते हैं कब तक मैं इसको पूरा कर पाऊँगा। तो मिलते हैं आगे। चुके हैं 4:44 हो चुके हैं, मतलब 4 बजने वाले हैं और ये मेरा स्केच पूरा होने ही वाला है। मतलब थोड़ी सी डिटेलिंग और बची है, हेयर्स की डिटेलिंग बची है और बस होने ही वाला है और देखते हैं अब कैसा बनता है। तो अब है ड्रिंक्स ब्रेक और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब चाय पी के आते हैं, मम्मी बुला रही है तो मिलते हैं आगे। चाय पीने अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे। तो अब मैं डॉली को एक काम बता रहा हूँ, डॉली को दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, शेडिंग सिखा रहा हूँ, तो इसको बता जाता हूँ मैं कैसे कैसे करती हूँ। तो डॉली देख ऐसा करना है ना, इसको ऐसे हल्का लगा ना, बहुत हल्का, ठीक है, और ज़्यादा डार्क नहीं, ज़्यादा हल्का नहीं, पूरे में करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, बीच में यहाँ पे मत करना, सिर्फ यहाँ यहाँ पे करना है, ठीक है, बहुत आराम से, ठीक है। अब डॉली कर रही है काम, चल बढ़िया बढ़िया, शाबाश, करते रहे, कर रही है, शाबाश शाबाश। तो अब डॉली काम कर रही है और डॉली का काम मतलब सही सच कर रही है, आराम से, हल्की रंजिल लगा, थोड़ा तिरछा लगा, हल्का लगा बहुत। हाँ तो बस डॉली भी सीख जाएगी जल्दी, पहले सीख लेती। चल शाबाश। तो इस स्केच में डॉली का भी योगदान हो गया है थोड़ा सा, वह हो गया, एक जगह पे करते रहिए, इधर को भी कर। तो मिलते हैं अब आगे, चाय पी के आते हैं। तो अब जा रहे हैं चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं, चाय बहुत प्यास। तो अब 4 बज गए हैं और हम थक गए हैं। तो चाय मैं ले आया हूँ सीधे स्टूडियो में, जो कि मेरे का बहुत 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 काम करना है। तो अब मैं इसके बालों पे स्केचिंग शुरू कर लेता हूँ, थोड़ा मतलब और करना है डिटेलिंग। तो अब मिलते हैं थोड़ा आगे से और देखते हैं कितनी बनती है। तो गाइस अब बच चुके हैं 4:30 और मेरा स्केच अब कम्प्लीट हो चुका है, डिटेलिंग हो चुकी है, मतलब जितना मेरे को आता है उतना मैंने कर दिया है। और आपको मैं दिखाता हूँ कैसा लगेगा, मतलब आपको कैसा लगता है मेरे को कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से आपको ठीक ही लगेगा, क्योंकि मेरे को ये सेटिस्फाइंग लग रहा है, क्योंकि मतलब पहला अपना खुद का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ मैं, मतलब पहले अपने बचपन की बनाई थी लेकिन इस बार मैंने अपनी रियल टाइम की बनाई है। तो देखते हैं, अभी मैंने फ़ोटो क्लिक की थी और अभी इसको बनाया है। तो अब मेरे को पूरा इसमें 4 घंटे लग चुके हैं अच्छे से, 4 मतलब 5 घंटे के आसपास लग चुका है। और स्केच थोड़ा मेरे जैसा लगने लग गया मेरा पोर्ट्रेट, तो देख दिखाता हूँ आपको कैसा लगेगा और कमेंट बता देना। तो गाइस मेरा पोर्ट्रेट रेडी है, आपको कैसा लगा ये बता देना। मैंने यहाँ ऊपर थोड़ा YP ब्लॉग्स लिख दिया है, YouTube का साइन बना दिया है
और नीचे अपना ऑटोग्राफ दिया है बस, यश पांडे। तो कैसा लगा कमेंट में बताना, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। चुके हैं शाम और भी बज चुके हैं शाम के 5, मतलब वीडियो एडिट करने का टाइम हो चुका है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आशा करूँगा कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी स्केच अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे, मतलब मेरे हिसाब से तो अभी तक का मेरा बेस्ट बना है। तो आगे भी मैं ऐसी मेहनत करते रहूँगा, आपका सपोर्ट रहा तो अब मिलते हैं आगे कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। तो पापा ने बंदरों को रोटी दे दी है, अब बंदर खुश हो गए हैं। बंदर ने रोटी खा लिया है, खा लिया। छोटा वाला बंदर भी यहीं पे बैठा हुआ है, बहुत पास है मेरे। मोटा वाला आ गया और सिर्फ 4x ज़ूम किया हुआ है। आ गया। और एक चंट बंदर भी आ गया यहाँ पे।